देश में वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन, हर हिंदू को माला और भाला रखना चाहिए, बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, कुंभ में गैर सनातनियों की नहीं होनी चाहिए दुकान, इससे धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं आहत। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा, संत महात्माओं में आपस में हुई मारपीट। अखिलेश अभिनेता शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई के बांद्रा थाने में केस किया गया दर्ज। रायपुर के फैजान पर शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप, पूछताछ में फैजान ने कहा, मेरा फोन हुआ था चोरी, फोन चोरी की शिकायत भी कराई थी दर्ज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल, सदन की कार्यवाही शुरू होते विधायकों के बीच हुई मारपीट। आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा, हंगामे के बीच दोनों पक्ष के विधायक आपस में भिड़े। इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दिखाया था अनुच्छेद 370 पर बैनर, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की ओर से आपत्ति जताने के बाद बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की मारपीट के बाद एक्शन, सदन से विधायकों को मार्शल ने निकाला बाहर। पीडीपी ने 370 और 35A की बहाली के लिए विधानसभा में नया प्रस्ताव पेश किया, हंगामे के बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल पर भड़की बीजेपी, स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सामने आया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारत को तोड़ने का आरोप लगाया, कहा 370 की वापसी कभी नहीं होगी, 370 हटने से आतंकी घटनाएं घटी हैं। विधानसभा में बवाल पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश, पाकिस्तान और अलगाववाद के एजेंडे के साथ कांग्रेस और एनसी। रविंद्र रैना बोले, विधानसभा में 370 पर प्रस्ताव गैर कानूनी, बीजेपी के एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। बीजेपी के आरोपों पर जेकेएनसी का पलटवार, जेकेएनसी नेता हसनैन मसूदी बोले, चोरी छिपे नहीं, नोटिस के बाद सदन में रखा गया था प्रस्ताव। शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं वो वहां जाए जो उन्हें पसंद है। योगी बोले, जब बजरंग बली थे तब धरती पर इस्लाम का नाम भी नहीं था, आज बजरंग बली का पाठ करने से रोका जाता है, बजरंग बली की शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगती है। यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर पोस्टर वॉर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगे, राहुल और अखिलेश का फोटो दिखा साथ। पोस्टर में लिखा, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 में मिलेगा। नितेश राणे के बयान पर यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार, बोली लोगों को बांटने और लूटने का काम कर रही है बीजेपी। लाउड स्पीकर को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से हटाएंगे लाउड स्पीकर्स। राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा एमवीए के पक्ष में वोटिंग के लिए फतवा जारी कर रहे मौलाना, लोकसभा चुनाव में दिखा मौलाना के फतवे का असर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारी किया पार्टी का मैनिफेस्टो, विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया वचननामा। वचननामा जारी करते हुए बोले उद्धव ठाकरे, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने जो वादे किए उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद करेंगे पूरा। नागपुर में बोले शरद पवार, हमारे प्रचार की शुरुआत अच्छी रही, महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए। राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान पर बोले शरद पवार, जातीय जनगणना से ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने की स्थिति का पता चलेगा। मुंबई में कांग्रेस की कैंपेन समिति की बैठक, राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने की बैठक की अध्यक्षता। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके खिलाफ अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो उन्हें दोषी कैसे घोषित करें। पुणे में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने किया विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष ने संविधान को लेकर फर्जी कहानी फैलाई, लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, आज हर मुद्दे पर बैकफुट पर है बीजेपी, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, झारखंड महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए की सरकार, विपक्ष के लोग धीरे धीरे हार के बहाने खोजने की तैयारी करेंगे। हेमंत सोरेन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कहा एनडीए गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं, उनकी हार तय। राज परिवारों को लेकर राहुल गांधी के मीडिया लेख पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जताई नाराजगी, कहा उन्होंने राज परिवारों को लेकर बहुत उल्टा सीधा कहा है, छवि धूमिल करने की कोशिश है। कर्नाटक के हुबली में किसानों से मिले वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, किसानों की जमीन को वक्फ की भूमि बताने के नोटिस पर है विवाद। किसानों से जगदम्बिका पाल की मुलाकात को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बताया राजनीतिक नाटक, कहा भूमि एक राज्य का विषय। वक्फ भूमि विवाद पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया, ये किसानों के खिलाफ साजिश है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस किया दर्ज, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने अधिकारियों से बदसलूकी को लेकर केस दर्ज। दिल्ली में स्लॉटर हाउस बंद करने गए नगर निगम अधिकारियों के साथ आप विधायक ने की बदसलूकी और गाली गलौज, विधायक मीट की दुकान पर कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। फेमा के तहत दिल्ली बेंगलुरु और मुंबई में ईडी का एक्शन, अमेजन और फ्लिपकार्ट के मुख्य विक्रेताओं के 19 जगहों पर छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के नाम की टी शर्ट बेचने वालों पर एक्शन, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने विक्रेताओं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ दर्ज की FIR। दिल्ली के ITO में दिल दहलाने वाली घटना, 10 अक्टूबर की रात को एक लड़की के साथ 3 लोगों ने किया गैंगरेप, इसके बाद पीड़िता को ऑटो में बिठाकर ITO से राजघाट तक गए।
तीन महीने पहले ओडिशा से दिल्ली आई थी लड़की। तीनों आरोपियों ने लड़की को सर्विस लेन पर फेंका। मदद मांगते हुए राजघाट से सराय कालिखा पहुंची पीड़िता। सुबह 3:30 बजे एक नौसेना अधिकारी ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में देखा। इसी के बाद दिल्ली पुलिस को किया गया इन्फॉर्म। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में लगी। मामले में दिल्ली पुलिस की टीम को मिली कामयाबी। पुलिस की टीम ने ऑटो ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। वहीं दिल्ली के एम्स में पीड़िता का मानसिक इलाज भी जारी। दिल्ली के छावला में एक वर्कशॉप में फायरिंग का मामला। आरोपियों ने वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी पर 5 राउंड की फायरिंग। सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कार्रवाई। अवैध तरीके से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आनंद विहार में भी सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दिखा एयर क्वालिटी इंडेक्स। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदूषण में इजाफा। हवा की गति कम होने से दिल्ली का स्मॉग का कहर। दिल्ली में भी आज भी प्रदूषण खराब स्थिति में। प्रदूषण के कारण एम्स इलाके में छाई रही धुंध। दिल्ली में स्मॉग के कारण धुंधला दिखा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली का AQI आज बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर आज भी दिखे जहरीले झाग। इसी जहरीले झाग के बीच आज दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत बढ़ी। ड्रोन तस्वीर में दिखा झाग। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। काम करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ती रहती है। मुंबई पर भी प्रदूषण की मार। मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध। मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी की कोशिश। कुछ इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। एस जयशंकर ने सिडनी में सीईओ और बिजनेस लीडर्स की मीटिंग को किया संबोधित। बोले देश में 12 बड़े इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किए जा रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हमारी सरकार ने तीसरी टर्म में बड़े कदम उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को दोगुना किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा आतंकवाद मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। अमित शाह बोले आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पीएम मोदी के नारे को पूरी दुनिया ने किया स्वीकार। वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ट्वीट कर लिखा पूर्व सैनिकों को किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को मेरा आभार। गोवा में INS संसद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और पुरालेख का किया उद्घाटन। कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कई कांसुलर शिविरों को किया रद्द। कनाडा के कांसुलर शिविरों को सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा देने से किया इनकार। नासिक में अगले साल से होगा विमानों का उत्पादन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष डीके सुनील ने दी है जानकारी। ओडिशा में आम की गुठली खाने से हुई मौत की RDC जांच शुरू। ओडिशा के मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा ने दी जानकारी। बीजेपी नेता लेखश्री सामंत सिंघर ने बीजेपी पर किया हमला। कहा सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने चावल आपूर्ति व्यवस्था को नष्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन कर ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को बताया सच्चा दोस्त। सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे ट्रंप। ट्रंप ने स्विंग स्टेट मिशिगन में भी हासिल की जीत। अमेरिकी सांसद डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका। रिपब्लिकन खेमे को सीनेट में भी मिला बहुमत। 4 साल बाद मिला बहुमत। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी बधाई। सत्ता स्थानांतरण बैठक के लिए ट्रंप को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को किया संबोधित। कहा यह एक ऐसा आंदोलन है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने समर्थकों को किया संबोधित। कहा मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं लेकिन मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी। कमला हैरिस ने हार स्वीकार की। फोन कर डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की बधाई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दी बधाई। देश भर में छठ पूजा की धूम। बिहार सीएम ने की पटना में छठ पूजा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर छठ की पूजा। ढलते सूर्य को दिया ज्ञान। लखनऊ में छठ घाट पर पहुंचे सीएम योगी। लोगों को फलों की टोकरी भेंट की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान दिल्ली बहाने नहीं बदलाव चाहती है। दिल्ली सीएम आदर्शी ने छठ पूजा की निभाई रस्में। डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ। राष्ट्रपति मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लिखा ये पूजा हमारे राष्ट्र में सुख शांति समृद्धि का संचार करे। चार धाम और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए ओडिशा सरकार शुरू करेगी बस की सेवा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्कंद षष्ठी उत्सव का आखिरी दिन श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों की रक्षा को लेकर दिया बयान। बोले संतों के काम में कोई बाधा ना आए इसलिए संघ का काम है डंडा लेकर संतों की रक्षा करें। संघ प्रमुख ने देश विरोधी ताकतों पर किया कटाक्ष। कहा कठिन परिश्रम ने देश का निर्माण हुआ है। तमाम ताकतें राम मंदिर का विरोध कर रही थी लेकिन सत्य और धर्म की जीत हुई। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने शारदा सिन्हा को देश का गौरव बताया। कहा उनके ना रहते से संगीत जगत में खालीपन हो गया। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में बारिश। प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड का असर दिखना शुरू। हर तरफ छाई धुंध। यूपी के अलीगढ़ में ठंड ने दी दस्तक। सुबह सुबह छाई धुंध की परत। शिमला के रामपुर बुशहर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। मेले के घोड़ा प्रदर्शनी में घोड़े के आकर्षण कई नस्लें बनी।